तो दोस्तों आपको याद होगा 5 से 6 महीने पहले कुछ इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि फिनलैंड और साथ ही स्वीडन नेटो संगठन को ज्वाइन करना चाहते हैं और इनकी लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी, लेकिन बीच में 2 प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक तो थी रशियन चेतावनी, रशिया के द्वारा चेतावनी दी गई कि अगर ऐसा होता है कि फिनलैंड और स्वीडन नेटो ज्वाइन करते हैं तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे दोनों को। और इसके अतिरिक्त जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम थी टर्की की तरफ से। हम सभी लोग जानते हैं कि फिनलैंड हो या फिर स्वीडन हो, टर्की के साथ इनकी रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छी नहीं है। जिस तरह से टर्की भारत के अंदर कश्मीर को लेकर हस्तक्षेप करता है और भारत टर्की की रिलेशनशिप खराब है, ठीक इसी तरह से टर्की के अंदर हस्तक्षेप करते हैं स्वीडन और फिनलैंड कुर्दिस्तान को लेकर, जिस वजह से उनकी आपसी रिलेशनशिप भी खराब है। और हम सभी जानते हैं कि नेटो की सदस्यता आपको तभी मिल सकती है जब नेटो में मौजूद सभी के सभी देश इसके लिए स्वीकृति दें। इस समय कुल मिलाकर 30 सदस्य हैं नेटो में और 300 देशों की परमिशन चाहिए होगी, तभी कोई 31वां देश इसे ज्वाइन कर सकता है। लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा मिरेकल यहां पर होते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल हम ये सभी जानते थे कि टर्की तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ा रोड़ा नहीं है, अमेरिकन प्रेशर के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। कई सारी चीज़ों के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें डिफेंस सबसे बड़ा क्षेत्र हो सकता है। टर्की अपने फाइटर जेट वगैरह के लिए इंजन वगैरह भी अमेरिका से ले रहा है, तो कहने का मतलब टर्की को हर हाल में झुकाई देना था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी रशिया की तरफ से कि अगर ऐसा हुआ और फिनलैंड नेटो ज्वाइन करेगा तो रशिया किस तरह का प्रत्युत्तर देगा। लेकिन दोस्तों बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जिनकी विदेश नीति का कोई दूसरा ऑप्शन दुनिया में नहीं दिखाई देता, वो भी कोई ज्यादा कुछ चीजें नहीं कर पाए और फिनलैंड को नहीं रोक पाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि फाइनली फिनलैंड नेटो का सदस्य बनने जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा बड़ा रोड़ा था टर्की, तो टर्की की संसद द्वारा इस बात की स्वीकृति दे दी कि ठीक है फिनलैंड को नेटो की सदस्यता दी जाए, इसलिए टर्की की रजामंदी दी जाती है। लेकिन अगर रशिया की स्पेशली बात की जाए तो किसी भी तरह से ज्यादा दबाव डालने की कोशिश रशिया की तरफ से की ही नहीं गई। एक बार केवल बिजली वगैरह उनकी काट दी गई थी, जो बिजली सप्लाई की जाती थी रशिया की तरफ से फिनलैंड में, वो बिजली काट दी गई। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का अन्य कोई भी दबाव फिनलैंड के ऊपर डालने की कोशिश की ही नहीं। और बिल्कुल सिनेरियो इस समय ऐसा लग रहा है कि अमेरिका चाह रहा था कि यूक्रेन के अंदर बिजी हो जाए रशिया और इस रास्ते हम लोग फिनलैंड को अंदर ले आए, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं कि फिनलैंड और रशिया की जो बॉर्डर्स है वो बहुत बड़े क्षेत्र में मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि रशिया के उस क्षेत्र से फिनलैंड की बॉर्डर मिलती है जहां पर रशिया की ज्यादा मूवमेंट इस समय नहीं है, ये इलाका काफी ज्यादा खाली पड़ा रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया के लिए एक नया फ्रंट खुल गया है और रशिया को अब इस एरिया में भी अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ानी होगी, क्योंकि फिनलैंड जैसे ही नेटो में ज्वाइन होता है इसका मतलब नेटो की फोर्सेस फिनलैंड आ जाएगी और रशिया के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति रशिया के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी है। हालांकि अभी कुछ औपचारिक चीजें और बाकी है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि फिनलैंड नेटो का सदस्य बन चुका है। और अगर बात की जाए स्वीडन की, तो स्वीडन को लेकर अभी मामले नहीं सुलझे हैं, कुछ और प्रयास इसके लिए किए जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द खड़ा हो गया है फिनलैंड के रूप में। इसके अतिरिक्त दोस्तों नेटो की तरफ से भारत को भी कहा गया है कि नेटो के दरवाजे हमेशा भारत के लिए खुले हैं। दरअसल एक अमेरिकी एनवॉय है नेटो के अंदर जिनका नाम है जूलिया स्मिथ। इनसे जब एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत के बारे में पूछा गया कि क्या भारत के लिए भी नेटो कुछ करने वाला है इन फ्यूचर, तो इसको लेकर कहा कि जी हाँ, भारत के लिए नेटो के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हालांकि इस क्षेत्र में यानी एशिया वाले एरिया में नेटो संगठन कुछ देशों को अंदर लेना चाहता है, इसके लिए अभी फिलहाल उनकी कोई प्लानिंग वगैरह ऐसी नहीं चल रही है। लेकिन भारत अगर इसके लिए प्रयास करता है तो भारत के लिए इसके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ नेटो संगठन इस समय सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर भी पास्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी, अभी 1-2 सप्ताह पहले, कुछ समय पहले की बात है, जब नेटो की तरफ से भारत के साथ एक मीटिंग करी गई और ये मीटिंग काफी ज्यादा सीक्रेट बताई गई, क्योंकि इसको लेकर क्या चर्चाएं हुई, मीटिंग के अंदर कौन कौन लोग उपस्थित थे, किस तरह की रणनीति बनाई गई, इसको लेकर किसी तरह की कोई चीज पब्लिक डोमेन में नहीं आने दी गई। और ये जब मीटिंग पूरी हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि नेटो के साथ भारत किस तरह की एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। तो कहने का मतलब चाइना के खतरे को देखते हुए, और नेटो का शायद अगला टारगेट चाइना हो सकता है, इसके लिए वो भारत के साथ भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन जूलियन स्मिथ की तरफ से इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि फिलहाल भारत की कोई सदस्यता हो नेटो में, इसके लिए बातचीत अभी शुरू नहीं की गई है, क्योंकि स्मिथ द्वारा उसी सीक्रेट मीटिंग का भी जिक्र किया गया जो मैंने अभी आपको बताया, ये कब हुई थी, रायसीना डायलॉग के दौरान। तो इसको लेकर भी स्मिथ द्वारा बात कही गई कि एक अनौपचारिक लेवल पर दोनों देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाने के लिए बातचीत की गई।
इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी 2022 में इस बात की पुष्टि की गई थी कि नेटो और भारत के बीच में सहयोग को बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए दोनों ही पक्ष आपस में संपर्क कर रहे हैं और विभिन्न सैन्य मुद्दों के ऊपर बातचीत की गई है। इसीलिए कुछ समय पहले इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था नेटो का डायरेक्ट सदस्य न बने लेकिन नेटो प्लस की सदस्यता ले सकता है, जिसमें नेटो के कुछ अलग सहयोगी देश हैं जो नेटो में तो नहीं है लेकिन नेटो से बहुत ज्यादा करीब है, उनमें से एक हो सकता है, जैसे साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल। इस तरह की सदस्यता शायद भारत को मिल सकती है और उसके बाद भारत इन फ्यूचर नेटो को भी ज्वाइन कर सकता है। हालांकि फिर भी अभी तक किसी भी एक ठोस निर्णय तक भारत को लेकर नेटो नहीं पहुंचा है, यानी नेटो और भारत के बीच में अभी केवल नेगोशिएशन शायद चल रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए इंडो पैसिफिक की तो इसमें भी नेटो इस समय इंटरेस्ट दिखा रहा है, हर हाल में दिखाना ही चाहिए, और चाइना यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना बैठा है। और अगर ऐसा होता है कि नेटो इंडो पैसिफिक की तरफ मूव करता है तो भारत के लिए सदस्यता के द्वारे ने हर हाल में खोलने ही पड़ेंगे, इसके अतिरिक्त इनके पास भी अन्य कोई विकल्प नहीं बचता, और इसी वजह से इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के लिए नेटो के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं।